अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं अर्जुन की छाल या अर्जुन का वृक्ष तो आपको कई सारे वीडियो और कई सारे लेख ऐसे मिल जाएंगे जो अर्जुन के छाल का महत्व बताते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर अर्जुन की छाल का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डॉक अक्षय शर्मा को सब्सक्राइब करें नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अक्षय शर्मा सीनियर हार्ट सर्जन और आपके दिल का शुभचिंतक आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और अर्जुन के वृक्ष के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं अर्जुन का वृक्ष वृक्ष यानी टर्मिनेलिया अर्जुना, एक सदा हरित है इसका प्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है चरक संहिता में अर्जुन का उपयोग औषधि के रूप में बताया गया उन्नीसवी शताब्दी में श्री गोपालदास सेन ने अपनी कृति भैषज्य रत्नावली में अर्जुन के वृक्ष का वर्णन हृद विकार यानी हार्ट डिजीज़ के उपचार हेतु किया इस प्रकार अर्जुन का आयुर्वेद में पिछले लगभग लगभग 2000 सालों से प्रयोग हो रहा है खून पतला करने की औषधि के रूप में अर्जुन को लाभकारी माना गया है परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनके अंदर अर्जुन का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है आइए देखते हैं उन परिस्थितियों को अगर आप खून पतला करने की दवाइयां जिन्हें हम ब्लड थिनर्स या चिकित्सीय भाषा में एंटीकोएलेंट्स कहते हैं का सेवन कर रहे हैं तो आपको अर्जुन की छाल का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए अर्जुन की छाल के साथ इनका सहक्रियात्मक कार्य खून को ज्यादा पतला कर देता है और खून बहने के खतरे को बढ़ा देता है अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझें और निम्न खून पतला करने की दवाइयों को पहचानें एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल एसीट्रॉम और वॉरफ्रेम अगर आपको किसी भी ऑपरेशन की सलाह दी गई है जैसे हार्ट के बाईपास ऑपरेशन वेल्व के ऑपरेशन या हड्डी के ऑपरेशन जैसे कि कूला या घुटना बदलने का ऑपरेशन पेट या आँत के ऑपरेशन या दांतों के ऑपरेशन तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं कि आप अर्जुन की छाल का सेवन कर रहे हैं अर्जुन के खून पतला करने वाले प्रभाव से खून के जमने में सामान्य से अधिक समय लगता है और ऐसी परिस्थिति में ऑपरेशन के दौरान अधिक खून बह सकता है इस तथ्य की जानकारी डॉक्टर के साथ साथ आपको भी होनी चाहिए किसी भी छोटे बड़े ऑपरेशन से पहले समय रहते अर्जुन का सेवन बंद करें और इस दुष्प्रभाव से बचें तो आज हमने देखा कि कौन कौन सी परिस्थितियों में अर्जुन की छाल का सेवन आपको सावधानी से करना चाहिए इस प्रकार के और भी रोचक वीडियो लेकर मैं डॉक्टर अक्षय शर्मा आपके समक्ष आता रहूंगा जब तक जागरूक रहें स्वस्थ रहें